सरकार ने 10 सालों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई रैन बसेरा नहीं बनाया, किसी अस्पताल का निर्माण नहीं किया, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई, कोई नया स्टेशन नहीं बनाया। सरकार ने 10 सालों में क्या किया? एक मंदिर का निर्माण किया। इस निर्माण में भी हजारों करोड़ का घोटाला किया। 140 करोड़ लोगों के देश में एक मंदिर का बनना क्या कोई बड़ा कारनामा है जिसे बताकर सरकार आपसे वोट मांग रही है? देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं, 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, देश का रुपया भूटान की करेंसी से नीचे चला गया है, बांग्लादेश का टका रुपया के मुकाबले मजबूती से खड़ा है, बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल चुका है, भारत भुखमरी के इंडेक्स में 116 देशों में सबसे नीचे 107वें स्थान पर है। और मोदी सरकार आपको ये बता रही है कि उसने आपके लिए एक मंदिर बना दिया है। आपके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार जानती है कि मंदिर के नाम पर उसे आपका वोट मिल जाएगा। 140 करोड़ लोगों के देश का निर्माण, उद्योग लगाने, यूनिवर्सिटी खोलने, रोजगार